और वहीं देखिए पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां से एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान ने एक्सक्लूसिव बात की है। काजिम अली खान ने कहा है कि इस बार रामपुर में भाजपा का कमल खिलेगा और आजम खान की राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान के राजनीतिक करियर को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ही बर्बाद किया। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है और रामपुर के नवाब काजिम अली खान साहब जो पूर्व मंत्री हैं मतदान के लिए जा रहे हैं। नवाब साहब, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं आज रामपुर में? मैं तो सबसे पहले तो बदलाव चाहता हूं और तरक्की चाहता हूं कि यहां जो भी रामपुर की जो हालत आजम के ज़माने में हुई, उसके कार्यकाल में हुई, उसमें सुधार है और बेहद सुधार है। अभी तो रामपुर गड्ढे में गिरा हुआ है, ना तो यहाँ कोई कारोबार है, ना कोई रोज़गार है, कुछ नहीं है। जो भी कारखाने थे, जो भी उद्योग थे, वो आजम ने सब ने बंद करवा दिए। जब से वो लेबर मिनिस्टर बना, सबसे पहली हड़ताल रजा टेक्सटाइल में करी, उसके बाद एक एक करके सारे जो कारखाने थे वो बंद हुए, हर तरीके लकड़ी का कारोबार बंद करवा दिया, हर चीज़। क्या लग रहा है आपको इस बार का जो चुनाव है, क्या ये आजम खान का जो युग है राजनीतिक वो ख़त्म होने वाला है? देखिए, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे और किसी को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके अपने बेटे ने उसके पॉलिटिकल एम्पायर को चकनाचूर कर दिया। अब्दुल्ला आजम की वजह से आजम खान का राजनीतिक करियर खराब? बिल्कुल, एक जिद की वजह से। आज जो सारी उसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो सिर्फ वो एक जिद की वजह से। उसके अपने बेटे ने उसको, उसके अपने पूरे परिवार को आज पूरा बर्बाद कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।